हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे यूज़ ऑफ दीज और दोज। क्या सीखेंगे? यूज़ ऑफ दीज और दोज। तो जो दीज होता है वो हमारा पास के लिए होता है, जो पिक हमारी पास होती है। तो ये हमारी पिक हमारी पास है, तो इसमें क्या आएगा? दीज। क्या आएगा? दीज। तो हम इसमें लिखेंगे दीज। दीज आर एप्पल्स। दीज आर एप्पल्स। अब नेक्स्ट है हमारा डैश आर ट्रीज। तो ये हमारे ट्रीज पास हैं या दूर हैं? दूर है ना, तो दूर के लिए हमारा आएगा दोज। तो हम यहाँ पर दोज लिखेंगे। ओके, दोज आर ट्रीज। अब हमारा नेक्स्ट है कप। डैश आर कप्स। तो ये कप हमारे पास है ना, पास के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? दीज। तो यहाँ पर क्या आएगा? दीज। तो यहाँ हमने यूज़ किया दीज आर कप्स। अब हमारा नेक्स्ट है डैश आर स्टार। स्टार हमारे पास है या दूर है? पास है ना या दूर है? हमारे स्टार दूर है, तो दूर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? दोज। तो हम यह क्या यूज़ करेंगे? दोज। अब नेक्स्ट हमारा काइट। काइट हमारे पास है या दूर है? पास है काइट या दूर? पास है ना, तो पास के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? दीज। तो यहाँ क्या यूज़ करेंगे हम? दीज। ओके, दीज आर काइट्स। अब हमारा नेक्स्ट है डैश आर फ्लावर्स। फ्लावर्स हमारे पास है या दूर? फ्लावर्स हमारे पास है या दूर? दूर है ना, तो दूर के लिए क्या यूज़ होगा यहाँ पर? दीज। दोज। क्या यूज़ होगा? दोज। तो हम यहाँ पर दोज का यूज़ करेंगे। दोज आर फ्लावर्स। ओके, इसी तरीके से आप सभी को ये करने हैं।